मकान मालिक दिल्ली में और चोरों ने पूरी तसल्ली के साथ किए हाथ साफ। मुझे लगता है बड़े इत्मीनान से बैठ के सोनम मेरे को सब कुछ कर रहा। सोनम ने तो मेरे को छोड़ा होगा। गेट के पास आई तो मैंने लॉक वगैरह खोला तो अंदर एंटर करा तो दरवाजे जो हैं वो खुले हुए थे, लॉक काटा हुआ था, अंदर ही फेंका हुआ था और तीनों के तीनों कमरे जो हैं वो शफल किए हुए सारे विद स्टोर सब कुछ शफल। जिला उधमपुर की हाउसिंग कॉलोनी का है ये मामला और लाखों के गहने और ना जाने क्या क्या लेकर हुए चोर फरार। कि किस तरह से चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है और जैसे लग रहा है कि अगर दो दिन से कैमरे बंद थे, चोरों को शायद पता था कि इस घर में पिछले 1.5-2 महीने से कोई नहीं रहता और उन्होंने भी पूरी तसल्ली के साथ चोरी की है। तीन कमरों में, एक में नहीं तीन कमरों में। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। जिला उधमपुर की बात करें, जिला उधमपुर की हाउसिंग कॉलोनी फेज 2 और मकान नंबर 51 और मकान के मालिक हैं अजय, जो दिल्ली में अपना जॉब करते हैं और उसी के सिलसिले में वहीं रहते हैं और उसी के दौरान उनकी धर्मपत्नी और वो उनकी माताजी भी उन्हीं के साथ दिल्ली में रहती हैं, लेकिन उनका मकान उधमपुर के हाउसिंग कॉलोनी फेज 2 में है। लगभग पिछले 1.5-2 महीने से ये लोग दिल्ली में ही हैं और वहीं से सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी है उस कैमरे के जरिए ही ये देखते हैं कि इनके घर में क्या गतिविधि हो रही है। मकान बंद है लेकिन वहाँ से ये देखते रहते हैं कि आखिरकार कोई आया कोई गया तो नहीं यहाँ पर। लेकिन पिछले दो दिन से जब कैमरे काम नहीं कर रहे थे तो अजय जी जो दिल्ली में हैं उनको कुछ शक हुआ और उन्होंने अपनी बहन जो उधमपुर में ही रहती हैं उनको कॉल किया कि भाई आप वहाँ जाएं और देखें कि आखिरकार कैमरे क्यों नहीं काम कर रहे हैं। और जब आज उनकी बहन शाम को वहाँ पहुँचती है मकान नंबर 51 में तो देखती हैं कि जो दरवाजे हैं उनके लॉक टूटे हुए हैं। जब वो अंदर जाती हैं तो तीन कमरों में चोरों ने तसल्ली के साथ अपने हाथ साफ कर दिए थे। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरह से अलमीरा हो या फिर कोई और दराज, हर जगह इन चोरों ने अपने हाथ साफ किए हैं, सामान को बिखेर के रख दिया है, फर्श पे फेंका हुआ है और पूजा रूम भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, भगवान का घर भी नहीं छोड़ा और वहाँ पे भी जो कुछ मिला चोर लेकर रफू चक्कर। और तो और बड़ी बात यह है, ये सुनने में आ रही है कि ये कागजात होते हैं अलमारियों से वो भी चोर लेके गए हैं। अब भाई ये चोर किस तरह के होंगे, पैसा तो ले लिया, सोना भी ले लिया होगा जो होगा, लेकिन कागजात किस काम के, सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि चोरी जो है काफ़ी बड़ी मानी जा रही है, लाखों की चोरी हम इसे कह सकते हैं। और इस मौके पर हमने जो अजय जी की जो सिस्टर वहाँ पहुँची थी उनसे भी बात करने की कोशिश की और व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरवानी वहाँ पहुँचे थे और उनसे भी बात की। तो दृश्य हमने आपको दिखा दिया चोरी का कि किस तरह से चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है और जैसे लग रहा है कि अगर 2 दिन से कैमरे बंद थे, चोरों को शायद पता था कि इस घर में पिछले 1.5-2 महीने से कोई नहीं रहता और उन्होंने भी पूरी तसल्ली के साथ चोरी की है। तीन कमरों में, एक में नहीं तीन कमरों में। तो आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं बरमानी साहब और क्या कहती हैं अजय जी की सिस्टर इस मामले पर। ये कि मुझे मॉर्निंग में मेरे ब्रदर ने कॉल किया था कि 2 दिन से कैमरा काम नहीं कर रहे हैं तो आप जाओ और जाके चेक करना। तो मैं अपने जॉब से जब वापस आई तो मैंने इसको चेक करा तो मैं एज़ यूजुअल जैसे आती हूँ गेट के पास आई तो मैंने लॉक वगैरह खोला तो अंदर एंटर करा तो दरवाजे जो हैं वो खुले हुए थे, लॉक काटा हुआ था, अंदर ही फेंका हुआ था और तीनों के तीनों कमरे जो हैं वो शफल किए हुए हैं सारे विद स्टोर सब कुछ शफल किया हुआ है। तो आप कब घर से गए थे? घर से नहीं, ये घर तो बंद था कोई 1.5-2 महीने से बंद था। ब्रदर मेरा जो है वो मदर और ब्रदर वगैरह डेली में होते हैं तो बस कैमरे वगैरह से ही सुपरवाइज करते थे वो, तो कैमरा काम नहीं कर रहे थे 2 दिन से तो उसने मुझे बोला कि आप जाके चेक करो कि क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो बस वही मैं चेक करने आई थी तो मैंने देखा कि लॉक वगैरह टूटे हुए हैं तो
तो कितनी चोरी हुई है, 10 कितना सामान ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं है, तो कमरे तो तीनों के तीनों शफल हैं विद स्टोर भी शफल है, ये तो वही बता सकते हैं कि अंदर क्या था क्या नहीं था। बट घर के ऑनर जो उनका क्या नाम है, घर के ऑनर जो हैं उनका नाम अशोक जैन एंड प्रकाश गुप्ता है। हाँ जी जी, आप कौन होते हैं यहाँ पे? मेरे ब्रदर मदर होती है यहाँ पे, मेरे भाभी कराते हैं। हाँ जी, माइका है मेरा ये। तो दिल्ली में को क्या कोई जॉब करते हैं मेरे ब्रदर, जॉब करते हैं, मदर वहीं पे होते हैं भाभी भैया भाई के साथ। अब किस तरह की कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा? पुलिस ने सारी जांच की, अब देखते हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी वो भी ले गए हुए हैं, कह रहे हैं चेक करेंगे क्योंकि वो वर्किंग तो है, तो वहीं से देख के पता चलेगा कि इंक्वायरी वही करेंगे अब क्या है क्या नहीं। महीने डेढ़ महीने से दिल्ली गई हुई है, पीछे ये घर बंद था, बाहर लॉक लगा हुआ था, इनके कैमरे बंद हुए थे, इन्होंने अपनी लड़की से फ़ोन पर कहा कि जाकर चेक करो कि कैमरे क्यों हमारे बंद हो गए। जब वो कैमरे चेक करने आए, देखा कि अंदर लमारियाँ और जितने भी थे सब दराज जितना जो भी है सब टूटा हुआ था, कि चोरों ने किस दिन चोरी की ये तो अभी पता लगेगा कैमरे की। फिर उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और यहाँ के लोगों ने पुलिस को दिखाया कि भाई इधर क्या क्या नुकसान हुआ ये पता लगेगा, देखने के बाद पता लगेगा।